नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। जातिवाद का दंश कितना खतरनाक होता है कि वो सुसाइड करने पर, खुद की ज़िंदगी ख़त्म करने पर मजबूर कर देता है। इससे भयानक शायद कुछ और हो नहीं सकता। ये भारतीय समाज की सच्चाई है जो खुद को सभ्य समाज होने का दावा करता है। वहीं कुछ कथित सवर्ण जातिवादियों की मानसिकता से कोई व्यक्ति अपनी जान ख़त्म कर लेता है। जिस तरीके से हमने देखा कि 22 मई की रात को डॉक्टर पायल तड़वी, जो कि बहुजन समाज से आने वाली छात्रा और वो MD कर रही थी, जो कि MBBS के बाद में जिस समाज से, जिस वर्ग से वो आती हैं, वो उस समाज के लिए ये एक बहुत बड़ी, मतलब उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। BYL हॉस्पिटल में, मुंबई में वो वहाँ पर काम करती थी, जॉब करती थी और वहीं से वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। 3 उनकी सीनियर्स द्वारा जो है हमेशा आए दिन उन पर जो है जातिवादी टिप्पणी करना और आए दिन टॉर्चर करना, रैगिंग करना, इस तरह की चीज़ों से उन्होंने तंग आकर सुसाइड कर लिया। उसके बाद से पूरे बहुजन समाज में एक बार फिर से आक्रोश की स्थिति बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला देखा, जब रोहित बेमूला ने जो है आत्महत्या कर ली थी। मेरे साथ में अलका निमेश जी हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये PhD स्कॉलर हैं। हम बात करेंगे कि किस तरह से देखती हैं वो इस तरह के इशू को, इस तरह के मामलों को, जब कोई व्यक्ति किसी स्टूडेंट को जातीय प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड करना पड़ता है। एक छात्रा जो अपने तमाम सपने, अपने परिवार की आकांक्षाओं को लेकर के वो ज़िंदगी जी रही होती है, संघर्ष कर रही होती है, और ये कास्टिज्म जो है उनको सुसाइड करने पर मजबूर करता है। देखिए, बहुत ही इसे मैं ये कहूँगी कि बहुत ही शर्मनाक वाक्य है, मानवता से परे हैं। आज हम कहते हैं कि मॉडर्न इंडिया है, लेकिन यहाँ भारत के अंदर आज जातिगत प्रताड़ना इतनी होती है बहुजन स्टूडेंट के साथ कि वो सुसाइड कर लेते हैं। शुरुआती दौर से अगर देखा जाए, बहुजन स्टूडेंट जब एंटर करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, संस्थानों में, तो वो अपने आप को कंफर्टेबल क्यों फील नहीं कर पाते हैं? उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार है उस संस्थान में रहे सवर्ण जातीय लोग, क्योंकि वो कभी उनको अपने अंदर आत्मसात नहीं कर पाते हैं। और ये बहुत ही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बराबरी वाला नहीं है। हालांकि इसे मैं ये कहूँगी कि ये एक तरीके से अप्रत्यक्ष कहा जा सकता है, अप्रत्यक्ष बिल्कुल, क्योंकि साधारण तौर पर ये दिखाई नहीं देता। जैसे आप लोगों के सवर्ण जाति से आने वाले दोस्त भी होंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे मित्र भी होंगे, लेकिन कभी भी उस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। लेकिन ये इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वो बिल्कुल आपका ये छोटी छोटी जैसे बातें जैसे होती हैं, मुझे ऐसा लगता है शायद सभी संस्थानों में ऐसा होता है, ठीक है। इस तरीके का व्यवहार जो सवर्ण विद्यार्थी बहुजन स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, ये एक वो उसको एक व्यवहारिक तौर पर लेते हैं। जैसे अच्छा, तुम तो कोटे से हो, ठीक है, वो ये दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि हम तो आपके साथ खाना भी खाते हैं, हम इवन हम आपके यू नो दैट आपके आइडियोलॉजी की भी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, अब हम चाहते हैं, हम जातिवाद के खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन उन लोगों के खुद के व्यवहार में छोटी छोटी बातों से झलकता है कि वो किस तरीके से एक अप्रत्यक्ष डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष डिस्क्रिमिनेशन की अलका जी आपने बात कही, लेकिन डॉक्टर पायल का जिस तरह से केस हमारे सामने आया, वो तो मैं समझता हूँ अप्रत्यक्ष नहीं होगा। कोई स्टूडेंट जब सुसाइड करता है तो ये कोई मामूली घटना नहीं है। किस तरीके से? हाँ देखिए, मैं जो बात कर रही थी अप्रत्यक्ष डिस्क्रिमिनेशन की, वो मैं बताने की कोशिश कर रही थी कि सभी संस्थानों में किस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन दिखाई नहीं देता है, ठीक है, जिसको आमतौर पर लोग कह सकते हैं कि कहाँ होता है डिस्क्रिमिनेशन संस्थानों में, लेकिन मैं उस अप्रत्यक्ष डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रही थी कि जो सिर्फ दिखाई नहीं देता है, महसूस किया जा सकता है। लेकिन अगर पायल तड़वी की बात करें, रोहित वेमूला की बात करें, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की, वहाँ पर उस प्रताड़ना की, जो जातीय प्रताड़ना है, उसकी सीमाएं इतनी पार हो गई कि उस
उस विद्यार्थी को सुसाइड तक का कदम उठाना पड़ा, और ये ऐसे कौन कौन से रीज़न रहे होंगे? क्या आपको नहीं लगता कि जाति का दंश, बात बात में उनको प्रताड़ित करना, बात बात में ये कहना कि आप तुम तो कोटे से आई हो, तुम्हारी इवन आपकी योग्यता पर प्रश्न उठाना, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जब एक मानसिक रूप से हावी हो जाती हैं, और उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार ये पूरी सवर्ण व्यक्ति हैं जो अभी भी अपने दिमाग से ये गंदी सोच नहीं निकाल पाए हैं। देखिए, इसका एक सीधा सा कारण ये भी है कि इस मानसिकता का, आप जातिवादी हैं, ठीक है, आप नॉर्मली डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप कुछ अच्छा करने लगते हैं, जब आप हमारे बराबर में आकर बैठने लगते हैं, तो शायद उनको तकलीफ़ होने लगती है ना। मैं एक उदाहरण जैसे देना चाहूँगी, उदाहरण क्या, मैं एक बताती हूँ जैसे वाक्य, कि पहले वो पूछेंगे कि अच्छा आप कैटेगरी से हैं, ठीक है, मीन्स किसी को भी वो देख सकते हैं कि हाँ ये कैटेगरी से हैं। अब उनके नज़रिए में कैटेगरी वाले इंसान कैसे होते हैं? उनके नज़र में कैटेगरी वाले इंसान ऐसे होते हैं जैसे जिसको वो दलित स्टूडेंट कहते हैं, वो काले हैं, गंदे कपड़े पहने हैं, गंदे कपड़े इन द सेंस फैशनेबल कपड़े नहीं पहने हैं, नॉर्मल कपड़े पहने हैं, सर में तेल लगाया है, ठीक है, मीन्स इस तरीके की छवि, हाँ ही इज़ फ्रॉम कैटेगरी या शी इज़ फ्रॉम कैटेगरी। इसके अलावा यदि कोई बहुजन स्टूडेंट बहुत ज़्यादा चमक धमक में रहता है, ठीक है, मीन्स के बहुत ज़्यादा फैशनेबल है, या वो अपने आप को बहुत ऊपर से लेकर नीचे तक टिप टॉप रखता है, कहने का मतलब ये है अरे तुम दलित हो क्या, लगती नहीं हो, तो ये भी एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, कि लगती नहीं हो, लेकिन उनकी नज़र में लगने के लिए हमको दलित होने जैसा दिखना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, नहीं दिखते हैं तो उनको डिफरेंट लगने लगता है, लगने लगता है, तो वहाँ शायद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी परेशानी होने लगती है। अलका जी, आप खुद PhD कर रही हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान में एक बहुत बड़े, आप भी एक अच्छे मुकाम पर हैं, तो यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा है, और क्या इस तरह की चीज़ें आपने भी कुछ महसूस की हैं क्या यूनिवर्सिटी? देखिए, इसमें मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि मैंने महसूस नहीं की, क्योंकि आज मैं न्यूज़ के, क्योंकि मुझे यहाँ मौका मिला है बोलने का, तो मैं बताना चाहूँगी कि बिल्कुल फेस की हैं, चाहे वो दोस्तों से हों, चाहे वो संस्थान में कर रहे कर्मचारी हों, कर्मचारी इन द सेंस जो स्कॉलरशिप फॉर्म देते हैं, ठीक है, और ये सच है। मैं मेरे कॉलेज की बात बताती हूँ कि जब भी हम स्कॉलरशिप फॉर्म लेने जाते थे तो वो मना कर देता था, अच्छा, कि नहीं है अभी, वो 10 चक्कर हमको कटवाता था कि ये है वो है, परेशान करना, तो बहुत बुरा लगता था उस टाइम, ठीक है, लेकिन हम भी ये कि ये तो है ही, अब क्या कर सकते हैं, है ना, तो ऐसी घटनाएं रही, और बाकी ऐसे कई वाक्यां भी हुए कि जब जिनको मैं बहुत अच्छा दोस्त समझती थी, उन्होंने भी कई बार बातों बातों में, हालांकि उनके लिए बहुत व्यवहारिक रहा होगा ये बात बोलना, कि शायद वो सोच के नहीं बोलते होंगे, शायद उनको ये लगता होगा कि हम सिर्फ एक व्यावहारिक बात कर रहे हैं या मजाक कर या फिर हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं, लेकिन उनकी यही व्यावहारिकता किस तरीके से एक बहुजन स्टूडेंट के मानसिक स्तर पर किस तरीके से प्रभाव डालती है, ये बहुत एकदम शोचनीय प्रश्न है। तो ऐसा हुआ है, बिल्कुल। क्या मतलब, जिस तरीके से हमने देखा डॉक्टर पायल के केस में कि मीडिया की भूमिका, इतना बड़ा मतलब मामला और उस पर किसी भी टेलीविज़न चैनल में कोई डिबेट नहीं, कोई चर्चा नहीं, सिवाय एक चैनल के NDTV ने एक उस पर डिस्कशन किया और दो स्टूडेंट को भी बुलाया गया था वहां पर चर्चा करने के लिए, कैसे देखती हैं आप ये मीडिया की इन मुद्दों पर खामोशी? और कुछ देखिए, मैं सीधी बात कहना चाहूँगी कि ये ब्राह्मण बनिया मीडिया है, ठीक है, अब जब ब्राह्मण बनिया मीडिया है तो मानसिक स्तर भी वैसा ही होगा, अगर मानसिक स्तर वैसा नहीं होता तो क्यों मीडिया चुप है पायल तडवी के केस पर, और पायल तडवी के केस को
अलग अलग दिशाओं में ले जाने पर तुली हुई है। न्यूज़ चैनल में ये बताया जा रहा है कि पायल जो है 26 ईयर ओल्ड की थी उस समय, वो उस मानसिक प्रेशर को नहीं झेल पाई। ये एक प्रश्न आप पर लागू होता है, मतलब इस तरीके का बात करने का कोई मतलब नहीं। 26 ईयर ओल्ड एक अच्छी खासी उम्र होती है, क्या मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि वो खुद से नहीं झेल पाई? आप बजाय इस बात को बताने के कि किस प्रकार उन लड़कियों ने जो कि सवर्ण समाज से आती हैं, उस तबके से आती हैं, उनका उनकी प्रताड़ना किस सीमा तक पहुंच गई होगी जब पायल तड़वी को सुसाइड करना पड़ा। तो ये सीधा सीधा प्रश्न उठाता है इस मेन स्ट्रीम मीडिया पर, जिन्होंने पायल तड़वी को बिल्कुल भी अपने न्यूज़ का हिस्सा बनाया ही नहीं है, और अगर बनाया है तो उसको अलग अलग मुद्दों में डिफाइन कर रहे हैं, ना कि जाति पर काउंटर करने के लिए कि हिंदू मुस्लिम में भी कुछ उसको देख रहे हैं कि वो पायल तड़वी मुस्लिम थी इस तरह से। जी देखिए, बिल्कुल ये एकदम सही प्रश्न है कि मीडिया उसको मुस्लिम आइडेंटिटी के तौर पर देख रही है। मुझे नहीं लगता कि पायल तड़वी भील कम्युनिटी से आती थी, वो एसटी थी और उसकी पहचान सिर्फ एसटी थी। एसटी में रहते हुए चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, बुद्धिस्ट क्रिश्चियन और मुस्लिम के आधार पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो एसटी कोटे से आई थी, उस जाति के हिसाब से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो मेरा कहना तो सिर्फ यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल केस को दूसरी तरफ ले जाने का है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि SC ST एक्ट के तहत वो मामला नहीं बने, क्योंकि उसमें वो मामला एट्रोसिटी का मामला ना बने, प्रताड़ना का मामला ना बने, तो वो वहीं दब जाए। देखिए बिल्कुल ये बिल्कुल एकदम सही बात है कि उसके मुस्लिम होने को ज़्यादा ये मीडिया जो है तरहीज दे रही है, ना कि ये कि वो एक ST लड़की थी और उसके साथ इतना पुरजोर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कास्टेड डिस्क्रिमिनेशन हुआ, प्रताड़ना हुई कि उसको आखिरकार सुसाइड करना पड़ा। चलिए अलका जी, बहुजन समाज के जो छात्र संस्थानों में आते हैं और इस तरह की जब चीज़ें सामने आती हैं उनके कास्टिज्म की, और वो हताश होते हैं, निराश होते हैं, सुसाइड जैसे कदम उठाते हैं, तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी उनको? देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से बहुजन विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि देखिए हम लोग का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहता है। बाबा साहब ने भी बहुत संघर्ष किया है, उन्होंने अपने आप को डटाए रखा, संभाले रखा। तो आप निराश ना हों और इस व्यवस्था का डटकर सामना करें, और एक दिन ज़रूर आएगा कि जब हम अपने आप को सशक्त करेंगे और बुलंदियों पर पहुंचेंगे। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि इस प्रताड़ना से कभी अपने आप को हताश ना करें, अपने आप को परेशान ना करें, और हमेशा डटे रहें, आगे बढ़ें। संघर्ष करने के लिए तो बाबा साहब ने भी कहा। बिल्कुल, संघर्ष करने के लिए तो बाबा साहब ने भी कहा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अलका निमेश जी से हम बात कर रहे थे, PhD स्कॉलर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये PhD कर रही हैं, और किस तरह की चीज़ें कास्टिज्म की शिक्षण संस्थानों में जो है बहुजन छात्रों को फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन इस पर ना ही तो मीडिया में प्रमुखता से चर्चा होती है, ना ही सरकारें कभी इन घटनाओं को, इन मामलों को गंभीरता से तरजीह लेती हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।